नमस्कार, आप देख रहे हो जिस समाचार वेब टीवी, मैं हूँ दीपक पाठक। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में 26 निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र उम्मीदवार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज के मतदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में आज 18 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। आज सुबह से ही मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर खड़े हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी इंतजार कर रहे हैं। दूसरे चरण में आज 239 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और 6 बजे तक चलेगा। अभी सुबह 7 बजे से पहले लोग कतारों में थे। सर, पोलिंग का स्टेटस जानना चाहेंगे कि रियासी में कितने पोलिंग स्टेशन है और क्या सभी पे पोलिंग शुरू हो गई है? 436 पोलिंग स्टेशन, सब पे पोलिंग शुरू हो चुकी है। सर, किस तरह का आप देख रहे हैं ट्रेंड वोटिंग? वोटर्स में उत्साह दिख रहा है, अभी शुरुआती घंटा है। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, ट्रेंड आते जाएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। सर, हमने वीडियोस देखे कि लोग सुबह 7 बजे से पहले ही लाइनों में। ये लोगों का उत्साह बताता है, लोगों का वोटिंग करने के लिए प्रेरणा बताता है और मैं उम्मीद करूंगा ये उत्साह शाम को 6 बजे तक चलता रहेगा। सर, फैसिलिटीज की अगर बात करें तो किस तरह की फैसिलिटीज दी है? AMF की सारी फैसिलिटीज है, पीने के पानी की हमने कहा है, कुर्सियां लगा दें, कहीं पे वो है तो वहां पे शामियाना लगा दें, सारी चीजें। सर, देखा अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग? कंट्रोल रूम में टीम आप देख सकते हैं, सारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हर पोलिंग स्टेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। मैजिस्ट्रेट्स, जोनल सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के साथ कांटेक्ट रखा जा रहा है, कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है तो टीम यहां से भी बता रही है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। पूरी तैयारी है सर, क्या जी? सबसे पहले मैं आप सबको इस दिन पे मुबारकबाद देता हूं कि आज बहुत बड़ा उत्सव की तरह लोग निकले हैं। आप जैसे हम सुबह से देख रहे हैं लोग पोलिंग के लिए निकले हुए हैं और सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है हमने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता था कि कितनी सिक्योरिटी चाहिए उस हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना जो वोटिंग का राइट है उसको एक्सरसाइज करें। नौजवान, बुजुर्ग और लेडीज, फीमेल्स सभी बढ़ चढ़ के आएं और इसमें पार्टिसिपेट करें। सिक्योरिटी की तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बॉर्डर के एरिया में भी हमने पूरे बंदोबस्त किया हुआ, उसमें एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, उसमें हमारी CAPF प्लस आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट हायर रिचीज पे है और अच्छे तरीके से पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। वहां पे भी बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन लगी हुई है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और बहुत ही मतलब चाहते हैं कि जिस तरीके जैसे ही हमारे पोलिंग स्टार्ट हो हम लोग वो अपना राइट एक्सरसाइज करें। बहुत उत्साह है लोगों में पोलिंग के लिए। थैंक यू। Thank you.